दोस्तों, जानवरों के साम्राज्य का सबसे विशाल गाय जानवर, जिसके सामने हर जानवर अदना सा नजर आता है, अपनी मस्त चाल और अपने ताकतवर शरीर के लिए जाने जाने वाला हाथी, जो वैसे तो काफी सीधा साधा होता है, लेकिन अगर उसे छेड़ा जाए तो वो आसानी से किसी को छोड़ता नहीं है। तो क्या एनिमल किंगडम में ऐसे जानवर है जो हाथी से फेस टू फेस पंगा लेने की कुवत रखते हैं? अब सवाल पूछा है तो जवाब भी देंगे। बस इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि हम आपको ऐसे जानवरों से मिलवाने जा रहे हैं जो हाथी को मारने की ताकत रखते हैं। ऐसे जानवर अपनी शारीरिक बनावट की वजह से दिखने में भले ही हाथी से छोटे हों, लेकिन हाथी के लिए काफी खतरनाक साबित होते हैं। वो कहते हैं ना कि देखन में छोटन लागे, घाव करे गंभीर। आइए अब देखते हैं ये वीडियो, जिसका टाइटल है वाइल्ड एनिमल्स दैट कैन किल एन एलिफेंट। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वरना आपकी किस्मत भी इस बंदे की तरह हो जाएगी। क्रोकोडाइल्स, दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं क्रोकोडाइल्स की। आप सोच रहे होंगे कि एक फ्लैट एनिमल जो मुश्किल से ग्राउंड पर खड़ा हो सकता है, जमीन से बाहर 6 टन के जानवर के लिए किसी भी तरह का खतरा कैसे पैदा कर सकता है? आपको क्या लगता है, एक हाथी एक मामूली मगरमच्छ के हमले को इग्नोर कर सकता है? ये जानने से पहले आपको बता दे कि एक मगरमच्छ हाथी को किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर कि तब जब वो अपने घर के मैदान पर होता है। तो ये जान लीजिए कि क्रोकोडाइल्स अक्सर हाथियों का अपने इलाके में पानी पीने के लिए इंतजार करते हैं, और अगर सही समय होता है और हाथी अपने परिवार से घिरे नहीं होते हैं, तो वो सीधा इनकी कमजोर सूंड पर अटैक करते हैं। ऐसा करने से जब हाथी पानी में गिर जाते हैं तो मगरमच्छ हाथी को दबोच लेते हैं। हालांकि हाथी शक्तिशाली होता है और इनसे बच सकता है, लेकिन उनकी सूंड इतनी बुरी तरह घायल हो चुकी होती है कि उन्हें सांस लेने, पानी पीने और चरने में भी दिक्कत होती है, और यही वजह इनकी मौत का कारण बन जाता है। इसीलिए साफ है कि क्रोकोडाइल एक सही टेक्निक के साथ एक एडल्ट एलिफेंट को भी मारने की क्षमता रखता है। वैसे दोस्तों, क्या आपने बचपन में हाथी की सवारी की है? नीचे कॉमेंट्स में यस और नो में बताएं। नेक्स्ट इज लायंस। ये तो सभी जानते हैं कि शेर जंगल का राजा होता है, और उसके लिए किसी भी जानवर का शिकार करना बाएं हाथ का खेल होता है। तो ऐसे में अगर हाथी की बात की जाए तो बता दें कि इस शेर और हाथी काफी पुराने दुश्मन हैं, और हाथी को मारने में शेर काफी ज्यादा कुशल भी है। एक एडल्ट हाथी को मारने के लिए 6 या 7 शेरनी काफी होती है, लेकिन ये काम 2 एडल्ट लायन काफी अच्छी तरह से कर सकते हैं, अगर अच्छी प्रैक्टिस का इस्तेमाल किया जाए तो। एक छोटे हाथी को एक मेल लायन भी मार सकता है। दोस्तों, जब शेर हाथियों का शिकार करते हैं तो वो आमतौर पर छोटे दांत वाले बच्चों या फीमेल हाथी को निशाना बनाते हैं, और वो अक्सर पीछे से हमला करते हैं। वो हाथियों के झुंड को तोड़ने की कोशिश करते हैं और एक स्ट्रगलर के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और फिर उसकी पीठ पर कूद जाते हैं और उसे जमीन पर खींच देते हैं। ये कभी भी सामने से हमला नहीं करते हैं, क्योंकि इन्हें हाथियों के शक्तिशाली दांतों से डर लगता है। हाथी अक्सर इनके हमलों से बचने के लिए झुंड में बच्चों को बीच में एक साथ रखते हैं। शेर और हाथी की लड़ाई भले ही एक खतरनाक लड़ाई है, लेकिन इस लड़ाई में हमेशा एक एक्सपीरियंस्ड शेर हाथी का शिकार करता हुआ नजर आता है। नेक्स्ट इज टाइगर्स। फ्रेंड्स, सोचिए, क्या 500 पाउंड का बाघ वास्तव में एक हाथी को मार सकता है? आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं, ऐसा हो भी सकता है। तो बता दे कि हाँ, बाघ एक हाथी का शिकार कर तो सकता है, लेकिन रोज ऐसा नहीं होता। इसके लिए एक स्पेशल स्किल की जरूरत पड़ती है। एक रिपोर्ट से पता चलता है कि टाइगर लगातार छोटे हाथियों का शिकार कर रहे हैं, जिसमें वो 13 हाथियों को अब तक मार चुके हैं, और जब भी हाथी को मार डालते हैं तो उसे खाने के लिए एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। टाइगर एडल्ट एनिमल पर भी अटैक कर सकते हैं और उन्हें मार डालते हैं। टाइगर अपने शिकार को अपने फोर लिम्स से पकड़ने और अपने शिकार की गर्दन में काटने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि हाथी काफी विशाल होता है और उसकी स्किन भी काफी ज्यादा मोटी होती है, इसलिए बाघ अक्सर हाथियों के बच्चों पर अटैक करते हैं। एक एडल्ट हाथी को मारने में लगभग 3 या उससे ज्यादा टाइगर शामिल हो सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर जरूरत पड़े तो एक अकेला टाइगर भी पूरी तरह से विकसित हाथियों के खिलाफ लड़ाई का खतरा उठा सकता है। अगर साल 2017 की बात की जाए तो एक बाघ ने कोरेला की वायानाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 6 एडल्ट हाथियों को मार डाला था। वही साल 2011 में एक टाइगर ने कार्बेट टाइगर रिजर्व पार्क में एक 20 साल की मादा हाथी को मार डाला था। तो क्या एक टाइगर एक हाथी को मार सकता है? तो जवाब है हाँ, लेकिन इन सब में टाइमिंग और स्किल की जरूरत होती है। बचपन में हाथी की सवारी कर खूब खुश होने वालों, अब लाइक नहीं करोगे तो कब करोगे साहब? नेक्स्ट इज किंग कोबरा। किंग कोबरा का जहर एक हाथी को आसानी से मार सकता है। ये जहरीला जीव ना जाने कितने जानवरों को मार सकता है। किंग कोबरा का जहर जहरीले सांपों में सबसे शक्तिशाली नहीं होता है,
लेकिन वो न्यूरोटॉक्सिन की मात्रा एक तरल औंस के 2/10 हिस्से तक पहुंचा सकते हैं, जो 24 लोगों या यहां तक कि एक हाथी को मारने के लिए पर्याप्त है। किंग कोबरा का जहर दिमाग में रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है, जिससे सांस रुक जाती है और हार्ट अटैक आ जाता है। लेकिन सोचने वाली बात है कि एक कोबरा हाथी को क्यों नुकसान पहुंचाएगा? तो बता दें कि अगर कभी कोबरा हाथी के पैरों के नीचे आ जाता है तो फिर वो हाथी को नहीं छोड़ता है। वैसे कोबरा हाथी से काफी छोटा होता है और हाथी और कोबरा को कंपेयर करने का कोई सेंस ही नहीं बनता। लेकिन अगर कभी इन दोनों का आमना सामना होता है तो दोनों एक दूसरे को देखकर अग्रेसिव नहीं होते हैं। लेकिन हाथी के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हाथियों में उनके जहर के खिलाफ प्रतिरोध नहीं होता है। नेक्स्ट इज बियर्स। दोस्तों, बियर और हाथी की फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। इन दोनों की फाइट इतनी एक्साइटेड होती है जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। दोनों के बीच फाइट काफी ज्यादा टफ होती है क्योंकि दोनों ही अपनी असीम ताकत के लिए जाने जाते हैं। बियर धरती पर रहने वाला सबसे बड़ा कार्निवोरस एनिमल है। बियर में अलग अलग तरह की काफी सारी क्वालिटीज होती है। बियर की सूंघने की शक्ति 3 गुना ज्यादा होती है। मेल बियर का वजन 650 किलोग्राम तक होता है, जबकि फीमेल बियर का वजन 250 किलोग्राम तक होता है। बियर के दांत अपना बचाव करने के लिए एक बड़ा हथियार होते हैं। इनके कुल 42 दांत होते हैं, जिससे ये अपना शिकार करते हैं। हाथी अपने सूंड से इन्हें धक्का दे सकता है, लेकिन ये हाथी के सूंड को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यानी इसमें कोई शक नहीं कि दोनों जानवर काफी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और दोनों के बीच में फाइट कोई आसान नहीं होती। फाइट में हो सकता है कि हाथी बियर का शिकार कर ले। नेक्स्ट इज हाइनास। दोस्तों, इस वीडियो को गौर से देखिए, जहां हाइना का ग्रुप एक बेबी एलिफेंट का शिकार कर रहा है और इस बेबी एलिफेंट की माँ दूर से खड़े होकर ये नजारा देख रही है, लेकिन कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। असल में इसकी माँ कीचड़ में फंस गई थी, जिसका फायदा उठाकर हाइना ने इस बेबी एलिफेंट का शिकार कर लिया। हाइना ने सबसे पहले हाथी के बच्चे के पैर को घायल किया, उसके बाद उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे खा लिया। हाइना शेर या बाघ की तरह भले ही बड़े या मजबूत नहीं होते हैं, लेकिन किसी को भी इस बात पर विश्वास करना मुश्किल होता है कि एक हाइना एक हाथी को मार सकता है, लेकिन इसका एग्जाम्पल तो आपने अभी देख ही लिया। दरअसल किसी भी जानवर को कम करके आंका नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हाइना के पास किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। वो ताकतवर होते हैं, स्मार्ट होते हैं। एक सिंगल हाइना एक एडल्ट एलिफेंट को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन इनका झुंड एक बेबी एलिफेंट का शिकार जरूर कर सकता है। नेक्स्ट इज अदर एलिफेंट। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि 11,000 पाउंड से ज्यादा के विशालकाय जानवर को कौन आसानी से मार सकता है? अंदाजा लगाइए, चलिए हम ही बता देते हैं। असल में एक विशालकाय हाथी को दूसरा बड़ा हाथी मार सकता है। असल में जब एक मेल एलिफेंट की खास सीजन में टेस्टोस्टेरोन पंपिंग के सामान्य स्तर का 200 गुना ज्यादा होता है, और जब हाथी मुस्तैद हो जाता है तो राक्षस बन जाता है, और वो केवल एक फीमेल हाथी के साथ मैट करना चाहता है और उसे पाने के लिए मौत तक लड़ने की हिम्मत रखता है। इस तरह अगर दो हाथी लड़ाई में एंट्री करते हैं तो निश्चित रूप से सबसे बड़ा हाथी इसमें जीत जाता है। नेक्स्ट इज राइनोस। राइनो और हाथी अक्सर एक ही इलाका शेयर करते हैं, इसीलिए दोनों के बीच एक शोडाउन देखना नॉर्मल नहीं है। गति और सटीकता के साथ एक राइनो हाथी को मारने में सक्षम हो सकता है। हाथी का वजन लगभग 6 टन और ऊंचाई लगभग 12 फीट होती है, और ये एक सफेद मेल राइनो की तुलना में बहुत लंबा और भारी होता है। राइनो आमतौर पर केवल 6 फीट लंबे और वजन में 2 टन से थोड़ा ज्यादा होते हैं। ये दोनों जानवर अविश्वसनीय शक्ति के साथ एक दूसरे पर हमला कर सकते हैं। वहीं दोनों ही समान रूप से इंटेलिजेंट भी होते हैं। शायद यही कारण है कि ये अक्सर आपस में लड़ते नहीं है। हालांकि अगर ऐसा होता है तो इसमें राइनो हाथी पर भारी पड़ता है। राइनो हाथी से 2 गुना तेज होता है। हाथी और राइनो के बीच में लड़ाई होती है तो राइनो अपने पहने सींगों से हाथी पर पहले हमला करता है। इसके सींग ठोस कैरोटीन से बने होते हैं और इतने पहने होते हैं कि ये हाथी की मोटी चमड़ी को घायल कर सकते हैं। तो भले ही राइनो हाथी को घायल कर सकता है, लेकिन हाथी के डायरेक्ट हमले से बच भी नहीं सकता। हालांकि हाथी और गैंडे दोनों मांस खाने वाले जानवर नहीं है, और ये खाने के लिए नहीं केवल अपने इलाकों के लिए झगड़ा करते हैं। खूबसूरत सी प्रकृति, पशु बने इंसान, मर रहा भविष्य, जानवर बन गया इंसान। सीधे शब्दों में कहूँ तो वो लोग इंसान नहीं हो सकते जो जानवरों पर जुल्म ढाते हैं। दोस्तों, इन बेजुबान जानवरों को नफरत की नहीं प्यार की जरूरत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।